शांति। आज 23 सितंबर 2024 है। आज की साकार मुरली में बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ स्मृति या स्वमान दिलाया है कि हमें कुबेर का खजाना बाबा ने दिया है। हम कितने धनवान, कितने प्राप्ति स्वरूप हैं। साथ साथ बाबा ने आज हमें शिक्षा भी दी है कि हमें ऑनेस्ट रहना है और माया के वश में नहीं आना है। तो जितना हम स्वमान में रहते हैं, उतना ही हम माया के वश में से अपने आप को बचा सकते हैं। और इसकी जो विधि है वो है दिल से अपने स्वमान को स्वीकार करना। यही आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी बता रहे हैं और उसके फ़ायदे भी बाबा बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न डालती हैं। जब यह कामना रखते हो कि मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा, तब सेवा में विघ्न पड़ते हैं। इसलिए मान की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी आएगा। आज बाबा ने हमें एक शक्ति को हमें कैसे यूज़ करना है और उस शक्ति को क्या कमज़ोरी कम कर देती है वो बताया। आज बाबा ने कहा कि अगर कोई भी मान की इच्छा है तो कहीं ना कहीं वो मान की इच्छा हमें हमारे स्वमान में टिकने नहीं देगी, या यूँ कहें स्वमान में टिके नहीं है तभी मान की इच्छा हुई है, और इसका रिजल्ट बाबा ने कहा कि हमारी सामना करने की शक्ति कम हो जाएगी। अगर हमारे अंदर कोई भी अल्पकाल की इच्छा है तो सामना हम नहीं कर पाएंगे। गहराई से अगर सोचें तो इच्छा का सामना करने की शक्ति से क्या कनेक्शन है? लेकिन बाबा ने कहा कि सामना करने में विघ्न डालती है। क्यों? क्योंकि अपने छोटे छोटे संस्कार स्वभाव हमारे सामने आते हैं और उसमें हम परिस्थिति का सामना ना करने के बजाय व्यक्तियों का सामना करना शुरू कर देते हैं। यह है सामना करने की शक्ति का दुरुपयोग करना। बाबा ने कभी हमें आत्माओं का सामना करने के लिए नहीं कहा। बाबा ने हमेशा कहा हर एक के संस्कार के साथ अपने संस्कार मिलाते चलें, लेकिन सामना हमें परिस्थितियों का करना है, अपनी खुद की कमी कमजोरियों का करना है। लौकिक में भी अगर देखा जाए दुनियावी रीति से, अगर किसी के अंदर कोई भी कमज़ोरी है तो वो सामना नहीं कर सकता। अगर कोई गलत है तो वो सच का सामना नहीं कर सकता, सच से भागेगा। कोई मेरा झूठ पकड़ ना ले, कोई मेरे मन की बात, मेरे मन के जो इंटेंशंस हैं उसको पढ़ ना ले तो वो छुपेगा, संकोच करेगा, कतराएगा। लेकिन जो ऑनेस्ट है, बाबा ने आज मुरली में हमें ऑनेस्ट रहने के लिए कहा, जो ऑनेस्ट है, और ऑनेस्टी का अर्थ बाबा बताते हैं स्वमान में स्थित होना। सिर्फ सच बोलना ऑनेस्टी नहीं है, लेकिन सत्य स्वरूप में स्थित होना, अर्थात जो मैं हूँ, मेरा स्वमान जो है उसमें स्थित होना, यह है असली ऑनेस्टी। तो जो व्यक्ति ऑनेस्ट है वो व्यक्ति स्वतः ही बाबा के कुबेर के खजाने का वो मालिक है। ऑनेस्टी, स्वमान हमें उस खजाने की चाबी दिलाता है। जिसके हाथ में वो चाबी है उसे और कुछ इस संसार का नहीं चाहिए, वो सब इच्छाओं से परे है। इसीलिए उसके सामने कोई भी विघ्न नहीं आ सकता, कोई भी आत्मा उसे रोक नहीं सकती, और वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है और सामना करने की शक्ति भी उसके अंदर होती है, क्योंकि सच तो बिठो नच। तो इसीलिए अपने स्वमान में स्थित होकर बाबा के खजाने को अपने अंदर महसूस करें, उसके नशे में रहें, और कोई भी अशुद्ध नशे, मान की इच्छा, इन सब नशों से अपने आप को हम दूर रखें। ओम शांति।